आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज पीए। किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट है ए जिसका वेपर प्रेशर क्या है, पीए है। तो हम राउल्ट्स लॉ में लिखते हैं कि पीए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पीए नॉट, ठीक है ना। पीए नॉट जो है वो राउल्ट्स लॉ कांस्टेंट है। सेकंड कंडीशन ये देखिए जा, इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, एक सॉल्यूशन है जिसमें किसी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व है, वन कंपोनेंट इज सो वोलाटाइल, एक कंपोनेंट वोलाटाइल है, दैट इज एग्जिस्ट एज अ गैस, जो गैसियस फॉर्म में है, एंड वी हैव आल्सो नोन दैट, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले से ही सॉलिबिलिटी ऑफ अ गिवन बाई हेनरी लॉ, सॉलिबिलिटी इज अ गिवन बाई द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है पी ए, ध्यान दीजिएगा सेम चीजें हैं, पी ए इज इक्वस टू के एच और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये जो के एच है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इक्वेशन वन इक्वेशन टू, इक्वेशन वन हमने राउल्ट्स लॉ को मान लिया और इक्वेशन टू हेनरीज लॉ को मान लिया। इफ वी कंपेयर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दैट इक्वेशन इट कैन बी सीन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट आर गैस, वोलाटाइल कंपोनेंट या गैस का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, समझ रहे हैं। दस द राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ, दैट्स द राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ केस ऑफ हेनरी लॉ, अतः राउल्ट्स लॉ एक हेनरी लॉ का ही केस है, ठीक है। बस एक क्या है, एक स्पेशल केस है जिसमें, बेटा इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वेशन से अगर हम यहां से पी ए और यहां का के एच दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, बस फर्क इतना है कि ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है और ये राउल्ट्स लॉ कांस्टेंट है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। चलिए इसको कर लेंगे आप लोग।